नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज। मिर्जापुर में नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार पांडे ने सपा से त्यागपत्र देकर आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। सुनील ने लगाए गंभीर आरोप, कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष के टिकट पैसा लेकर देने का काम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले आए सपा में उन्हें पैसे से दिया गया टिकट आम आदमी पार्टी के काशी प्रांत अध्यक्ष पवन तिवारी ने सुनील कुमार पांडे को घोषित किया मिर्जापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष काशी प्रांत श्री पवन तिवारी जी, हमारे जिला अध्यक्ष मिर्जापुर शेषधर दुबे जी और हमारी बहन जिला प्रभारी पल्लवी वर्मा जी ने हमको आम आदमी पार्टी से अध्यक्ष नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने की अनुमति दी है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक पत्रकार साथियों ने पूछा कि आप कांग्रेस में थे, सपा में गए और फिर आज आम आदमी पार्टी में आ गए, दल बदलू होने का जो छाप नहीं आपके ऊपर लगेगा, तो मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। जहाँ पर कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होगा, जहाँ पर टिकट पैसा ही लेकर दिया जाएगा, आप यही सवाल समाजवादी पार्टी के नेताओं से क्यों नहीं पूछते हैं कि मैं तो 7 साल से समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहा था, आंदोलन में लगातार भाग लिया, FIR तक मैंने झेला, चाहे किसी विभाग के खिलाफ लड़ाई हो, सड़क की लड़ाई हो, बिजली की लड़ाई हो, गरीबों की लड़ाई हो, मैं तो अग्रिम पंक्ति में आके उनकी लड़ाई लड़ा और जिला प्रशासन का कुप भाजन मना। और 7 साल के संघर्ष का ये नतीजा होता है कि 2 महीने पहले आए हुए व्यक्ति को आप किस आधार पर टिकट दे देते हैं, ये प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए। मैं निष्ठावान कार्यकर्ता था, हूँ, रहूँगा, लेकिन एक बात, मैं निष्ठावान अपनी जनता के प्रति हूँ। मिर्जापुर नगर पालिका परिषद में लगातार 7 महीनों से मैं डोर टू डोर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में टहल रहा हूँ और जनता ने जब हमसे कहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने जब हमसे कहा कि ऐसे तो आपको चुनाव नहीं लड़ने देंगे, ये हमें 12 में नहीं लड़ने दिया, हमें 17 में नहीं लड़ने दिया, हमें 22 में विधानसभा नहीं लड़ने दिया, हमको नगर पालिका भी नहीं लड़ने देंगे, तो अगर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो मैं अपनी जनता के, जो जनता मुझे आशीर्वाद देना चाहती है, उसका मूल्यांकन मैं कैसे कर पाऊंगा। तो मेरी जनता जनार्दन ने मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़िए और ये निर्णय, ये चुनाव जो है आम आदमी पार्टी और वर्सेस भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी, ये चुनाव जो है आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करके जीतेगी, क्योंकि ये चुनाव आम आदमी पार्टी का मिर्जापुर की आम जनता लड़ेगी, क्योंकि आम जनता ने हमको निर्देश किया है कि आप चुनाव लड़िए। सभी को नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता लिए हैं। इसके पहले समाजवादी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के पद पर थे भाई सुनील पांडे एडवोकेट जी। आज इन्होंने आम आदमी पार्टी पर आस्था जताते हुए इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। साथ साथ आम आदमी पार्टी जिला मिर्जापुर कमेटी के हमारे जिला अध्यक्ष भाई शेषधर दुबे जी, हमारे बहन जिला प्रभारी मिर्जापुर पार्टी की बहन पल्लवी वर्मा जी, इन लोगों के भी सर्वे रिपोर्ट में, क्योंकि अच्छी कैंडिडेट हैं, अच्छा इनका काम है, मानवाधिकार में अच्छा काम किए हैं, तो इनको आपके माध्यम से नगर पालिका मिर्जापुर का चेयरमैन प्रत्याशी आम आदमी पार्टी घोषित करती है और ये कल नामांकन करेंगे। सुनील जी एक सहज और सरल, मिर्जापुर में इन्होंने मानवाधिकार के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। पार्टी ऐसे लोगों को ला करके पार्टी का विस्तार होगा, अच्छे लोग आएं, और जो हमारा दिल्ली का काम है, दिल्ली का शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल है, वो मिर्जापुर में भी उस इतिहास का पुनरावृत्ति हो। शिक्षा यहाँ नगर पालिका में बस से बदतर है और पहले नगर पालिकाओं के द्वारा शिक्षा स्वास्थ्य से नगरवासियों को काफ़ी
सहूलियत और मदद मिलती थी। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 75 साल से सरकारी शिक्षा पर, सरकारी स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, केवल प्राइवेटाइजेशन। जब सरकार ही नहीं रहेगी, सरकारी व्यवस्था नहीं रहेगी, तो कौन किसको वोट देगा? देश मिटेगा तो बचेगा कौन, और देश बचेगा तो मिटेगा कौन? इस हालात में देश को, चाहे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में है, इसके पहले चाहे समाजवादी पार्टी रही है, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही है, ये केवल जनता से वोट लिए जाति धर्म मजहब पूंजीवाद इसी का बोलबाला करके सरकार तो बना लिया इन पार्टियों ने, लेकिन इन्होंने उत्तर प्रदेश के हजारों सवालात का उत्तर नहीं दिया। उन हजारों सवालात के उत्तर अरविंद केजरीवाल जी देंगे, संजय सिंह जी देंगे, और अगर नगर पालिका मिर्जापुर में जनता जनार्दन, जैसा विधानसभा के चुनाव में कही थी कि इस बार तो मौका हम योगी जी को देंगे, लेकिन अगली बार जो भी चुनाव आएगा आम आदमी पार्टी और झाड़ू निशान को हम लोग जरूर मौका देंगे और विकास का मॉडल हम लोग अपने जगह स्थापित करेंगे। तो ये नगर पालिका का चुनाव है, मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि सुनील जी को मिर्जापुर जनपद के सभी नगरवासी झाड़ू के निशान पर मोहर लगाएं। अगर ये प्रत्याशी हमारे जीतते हैं तो निश्चित है कि यहाँ का सरकारी स्कूल ठीक होगा, जैसा दिल्ली में है वैसा मिर्जापुर में होगा, यहाँ का स्वास्थ्य मॉडल ठीक होगा, और सफाई का काम ही है कि हर कोने कोने तक जब झाड़ू उठती है माँ बहनों की, तो घर की सफाई होती है, मोहल्ले की सफाई होती है, नगर पालिका में हर रोज़ झाड़ू उठेगी, गली मोहल्लों से लेकर के चौराहों तक की सफाई आम आदमी पार्टी करेगी, ये विश्वास दिलाते हैं।